Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all guys are doing well. So today we are going to talk about a new country who is providing work visa, and the success ratio of visa is very high as compared to other European countries. जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कंट्री के बारे में जो वीज़ा प्रोवाइड कर रही है अभी, जो वर्क परमिट प्रोवाइड तो कर रही है अभी, रिसेंटली यूरोप यूनियन के अंदर जुड़ी है. और इसमें बेनिफिट ये है कि अगर आप इस कंट्री में अप्लाई करते हैं तो वीज़ा रिजेक्शन रेट बहुत ही आपका कम है. जी हाँ दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं क्रोशिया के बारे में. क्रोशिया एक यूरोप यूनियन के अंदर अभी 26 कंट्रीज थी, अभी 27 कंट्री ये जुड़ी है. अभी एक तारीख से दिस ईयर 2023 इसमें इसको ईयू का पार्ट बनाया गया है, शेंगेन एरिया के अंदर का, शेंगेन जोन के अंदर इसको एड ऑन किया गया. 27 कंट्रीज जो यूरोप यूनियन में 27 कंट्रीज हैं उसमें ये कंट्री भी आती है क्रोशिया. पहले ये यूरोप यूनियन का पार्ट नहीं थी इससे पहले. लास्ट ईयर तक अगर आप देखते तो आप क्रोशिया के लिए अप्लाई करते तो ईयू के अंदर नहीं आती थी. अभी इसको ईयू नेशन के अंदर, अभी यूरोप यूनियन के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है. तो भी इसमें यहाँ पर रिसेंटली बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकली है. अभी बहुत सारे इमिग्रेंट आपने देखे होंगे, बहुत सारे इमिग्रेंट यहाँ पर को अभी रिलोकेट की, बहुत लोगों ने रिलोकेशन करा है, इस कंट्री में गए हैं. और इसके अलावा आपको बताना चाहता हूँ कि जो इसका प्रोसेस है, प्रोसेसिंग टाइम भी 2 से 3 महीने है और रिजेक्शन रेट बहुत कम है, क्योंकि बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है. एप्लीकेशन उतनी ज़्यादा नहीं आ रही इसके लिए, क्योंकि बहुत से लोगों को इसके बारे में पता नहीं है. और प्रोसेस कैसे वर्क करता है मैं आपको बताऊंगा. जैसे आप पोलैंड के लिए अप्लाई करते हैं, आप माल्टा के लिए अप्लाई करते हैं, आप पोर्चुगल के लिए अप्लाई करते हैं, सेम प्रोसेस आपका वैसे ही फ्लो होता है. प्रोसेस जो कैसे फॉलो करना है मैं उसके रिगार्डिंग आपको बता देता हूँ. आपको पहले वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं, फिर जो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है, आपका बैंक सर्टिफिकेट, PCC अभी रिक्वायर्ड नहीं है फॉर अ टाइम बीइंग, अब बाद में एड ऑन हो सकता है इसमें. अभी जो न्यू रूल आया था जनवरी में तभी तो PCC रिक्वायरमेंट नहीं थी, अभी आपको चेक करना होगा उसकी वेबसाइट में जाके PCC रिक्वायर्ड है नहीं है. अदर डॉक्यूमेंट आपके जैसे एजुकेशन डॉक्यूमेंट होते हैं, जो मेन डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने होते हैं वही उसकी रिक्वायरमेंट होती है. वहाँ पे अभी जो मेनली रिक्वायरमेंट है तुम्हारी कंस्ट्रक्शन वर्क की रिक्वायरमेंट है, और कंस्ट्रक्शन वर्क की तो मेनली रिक्वायरमेंट थी. उसके अलावा जो रेस्टोरेंट लाइन है उसमें भी कुछ ओपनिंग आ रखी है. अभी जो वहाँ की गवर्नमेंट है उसने ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस लास्ट ईयर में उन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया था कि जो 2023 है इसमें 2023 के आते ही ये कंट्री EU के अंदर इंक्लूड हो जाएगी. तो अब इसका बेनिफिट ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है क्रोशिया न्यू कंट्री बनी है, आपको वहाँ पर कोई लॉन्ग टर्म स्टे नहीं करना है, तो आप एक बार उनका वर्क परमिट ले लें वहाँ को. जैसे ही अगर आप एक बार वहाँ पहुँच जाते हैं वीज़ा आपको मिल जाता है, उसके बाद आप 3 मंथ्स के बाद TRC अप्लाई कर सकते हैं. जैसे ही आपको एक बार TRC मिल जाती है, TRC मिलने के बाद फिर आप कहीं और रिलोकेट कर सकते हैं. अगर आपको पोलैंड जाना है तो पोलैंड जा सकते हैं. पोलैंड के अलावा अगर आपको बताऊँ मैं, आप माल्टा जा सकते हैं, पोर्चुगल जा सकते हैं, जो मेनली यूरोप के अंदर जाके लोग रिलोकेट करते हैं. जो मेन कंट्रीज हैं उसमें बताता हूँ आपको कहाँ कहाँ जो मेनली जाते हैं. एक तो आपके जाते हैं जर्मनी, वहाँ पी स्लैप आपका बहुत सही है, और दूसरा नॉर्वे जाते हैं लोग, और तीसरा डेनमार्क है. डेनमार्क लोकेशन पे यहाँ पर को रिलोकेट करते हैं, वैसे जो नॉर्मली जो सिनेरियो फॉलो होता है उसमें. मैं आपको कहना चाहूँगा अगर आपको जाना है वहाँ, 800 यूरो के अंदर आपकी सैलरी है इसमें. सैलरी भी कंपनी है एज कम्पेयर टू पोलैंड, इक्वली सैलरी है इसमें. अगर आप क्रोशिया जाना चाहते हैं तो सैलरी रेट सही है और वीज़ा सक्सेस रेशियो भी बहुत ज़्यादा है, रिजेक्शन ना के बराबर आ रही है इसमें. अभी ओपनिंग्स वगैरह वहाँ की कंपनी ने, जो वहाँ की कंपनीज हैं उन्होंने अपनी ओपनिंग्स रिलीज़ की थी. बहुत लोगों ने अप्लाई किया, बहुत लोग सक्सेसफुली जा भी चुके हैं वहाँ पे. अभी अगर आप कोई और कंट्री का भी अप्लाई कर रहे हो तो थोड़ा हार्ड है, माल्टा और पोलैंड पोर्चुगल का अप्लाई करते हो तो एज कम्पेयर टू क्रोशिया द प्रोसेस इज़ वेरी हार्ड एंड वेरी डिफिकल्ट. सक्सेस रेशियो पोलैंड हो गया, माल्टा हो गया, माल्टा के बाद पोर्चुगल है, इसका सक्सेस रेशियो बहुत कम है एज कम्पेयर टू क्रोशिया. क्रोशिया का रेट सही है. अभी पोलैंड में आप देख ही रहे होगे, माल्टा में देख ही रहे हो, अगर 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं तो कितना परसेंट है, 20-30% सक्सेस रेशियो है अभी फॉर टाइम बीइंग. अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर लें इसमें. और जो वहाँ की कंट्री है उसने जो पे रेट वगैरह भी रखा था यूरो में रखा था. और इसके बाद आपको बताना चाहूँगा कि अपार्ट फ्रॉम दिस जो बेनिफिट सेम आप TRC लेके कहीं भी मूव कर सकते हैं. जो अदर कंट्री, जो पोलैंड में आपको बेनिफिट मिलेंगे, माल्टा में मिलेंगे, सेम बेनिफिट यहाँ भी है. आपका जो प्रोसेस फ्लो वर्क करता है, फिर आप अगर TRC फाइल करना चाहते हो तो 3 साल के लिए वैलिड होती है. TRC के बाद आप 2 साल और अप्लाई कर सकते हैं. क्रोशिया का आपको PR वगैरह लेना होगा तो उसका प्रोसेस अलग होगा, वो आपको अलग फॉलो करना है. और आप चेक कर सकते हैं अगर आपको अभी टाइम बीइंग सही लगता है, फॉर अ टाइम बीइंग अगर आपको लगता है कि चीज़ अपॉर्चुनिटी है सही है. क्योंकि अगर पोलैंड, माल्टा और अदर कंट्रीज़ के लिए आप अभी वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें डिफिकल्टी ये है कि आपके श्योरिटी नहीं है आप वर्क परमिट के लिए पैसे पे कर देंगे. मैंने भी पे कर रखे हैं अपनी अदर लोकेशन के लिए,
उसमें ऐसा है एक बार रिजेक्शन आएगा तो फिर आपका सारा पैसा डूब जाएगा, इसकी कोई श्योरिटी नहीं रहती। और जो एजेंट होता है उनको हमको प्रायर आपका वर्क परमिट आने से पहले पूरी पेमेंट तो करनी पड़ती है, पूरा डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। अगर हमारा पूरा प्रोसेस भी 1.5 से 2 लाख रुपये अगर आप इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट एजेंट लेते हैं तो आपका खर्च हो जाता है, इसमें कोई श्योरिटी नहीं होती। इंडिया से होगा 3.5-4.5 लाख रुपये आपको पे करने होंगे। और मैं जल्दी इसमें चेक करके बताऊंगा कि आपकी जो इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कौन सी है जो आपको क्रोशिया का वर्क परमिट प्रोवाइड कर रही हैं, क्योंकि अभी तो इंडिया में जो एजेंट प्रोवाइड कर रहे हैं क्रोशिया का वर्क परमिट उसका जो चार्जेस हैं 3.5 से 4 लाख रुपए के आसपास वो अभी चार्ज कर रहे हैं। और अभी अदर अपॉर्चुनिटी आएंगी वहाँ की भी, कोई जैसे इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट फर्म होती हैं, मेरे को सर्च करनी पड़ेगी क्योंकि हर कंट्री की एक इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट फर्म होती है। जो एजेंट लोग होते हैं वो इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट फर्म से जुड़े होते हैं। अगर 1000 यूरो आपकी फाइलिंग का है तो 1000 रुपये ही अपना कमीशन निकालते हैं, 1000 से भी ज़्यादा। अभी मैंने एक दुबई की थी नहीं और की एक कहीं रिक्रूटमेंट एजेंसी थी, कतर की थी, पता नहीं कहाँ की, कतर की थी, तो उससे मैंने कॉन्टैक्ट किया था तो उन लोगों ने मेरे को जो पे आउट बताया जहाँ के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, जो मैंने वर्क परमिट 1000 यूरो का ले रखा है उसका उन लोगों ने मेरे को टोटल अमाउंट खाली वर्क परमिट का 2500 यूरो चार्ज किया था। उसके बाद जो अदर डॉक्यूमेंटेशन है उसका जैसे कुरियर चार्जेस वगैरह हैं जिसके 50 यूरो भी नहीं लेते हैं वो लोग डॉक्यूमेंट भेजने के, 100 यूरो उसका अमाउंट कह रहे थे। जो ओवरऑल जो चार्ज है 3 से 4 हज़ार यूरो का उन्होंने पूरा बुक कर दिया था। इसमें इतना कोई फायदा नहीं है 3.5-4 लाख रुपये देने के लिए। इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट एजेंट लेते हैं उनको, और जो वहाँ के रिक्रूटमेंट एजेंसी होती है उनको भी ये पता होता है कि जो वर्क परमिट ऑप्टेन करना होता है बहुत चीप होता है। INR में आपको अगर बताऊं तो 30-40 हज़ार रुपये के अंदर जो वहाँ का जो इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी होती है वो इसको ऑप्टेन कर लेती है, उनका भी 60-70 हज़ार का बेनिफिट होता है। जैसे अगर आपको एग्जांपल दूंगा, उन्होंने मेरे को 1000 यूरो में अगर वर्क परमिट दिया है तो उनको जो वर्क परमिट मिला होगा वो 200 से 300 यूरो के अंदर उनको जो फाइनल चार्जेस हैं उनके उसमें उनको रिसीव हो गया होगा, तो 600-700 कमीशन होता है वो उनका होता है। अगर आपको पोलैंड हो गया, पोलैंड के लिए रिक्रूटमेंट एजेंसी ढूंढनी है जो 999 में 1000 यूरो के अंदर आपको वर्क परमिट प्रोवाइड करी, तो उसका मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा अगर किसी को भी रिक्वायरमेंट होगी। और अगर क्रोशिया का, अगर क्रोशिया के लिए मेरे को अभी रिसर्च करना होगा, इसमें रिसर्च करके मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी रिक्रूटमेंट एजेंसी है, मैं उनका लिंक वगैरह शेयर कर दूंगा। अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप मेरे को पिंग कर सकते हैं, इसमें आप कॉमेंट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप जैसे भी आप देख ही रहे हैं, अगर पोलैंड हो गया, माल्टा हो गया, अदर लोकेशन है, इसमें अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, बहुत लोगों के वीज़ा एक्सपायर भी हो रहे हैं और जो वीज़ा चार्जेस हैं दे आर वेरी हाई, तो आप रादर देन अगर आपने प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया है तो आप क्रोशिया का अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी भाई लोग हैं यहाँ पर जो जैसे उनका पोलैंड से रिजेक्शन आ गया तो दोबारा वहाँ के लिए अप्लाई ना करें, क्रोशिया के लिए आप अप्लाई करते हैं। अगर जिन लोगों का भी रिजेक्शन आता है अभी, देन दे कैन अप्लाई फॉर क्रोशिया रादर देन अप्लाइंग अगेन इन पोलैंड एंड देन गेटिंग द सेम रिजल्ट, गेटिंग रिजेक्शन। और इसके अलावा आपको कहना चाहूँगा कि मैं जो पे वेब पेज जो आपको बताऊंगा, जो वेज रेट है वो भी सेम ही है, तो आप इसके लिए जा सकते हैं। और कंट्री तो हमारे लिए सब सेम है, पोलैंड जाएंगे वो भी हमारे लिए सही होगा, माल्टा होगा वो भी सही होगा, क्योंकि हम थर्ड कंट्री नेशनल हैं और जो बेनिफिट हैं वहाँ के ज़्यादा ही रहेंगे एज़ कम्पेयर टू इंडिया, पाकिस्तान और सम अदर कंट्री। अगर आप देखो, सब लोग इधर से कहीं और रिलोकेट कर रहे हैं तो मेन पर्पज़ इज़ कि मतलब उनका पे रेट ज़्यादा हो, जो इंडिया के पे रेट हैं वो उतने सही नहीं है। जो नॉर्मल वर्कर यहाँ पे को काम करता है उसको 15 से 20 हज़ार रुपये की उसकी सैलरी रहती है, अगर वही वहाँ जाके काम करता है तो उसकी सैलरी 60-80 हज़ार रुपये हो जाती है। अब इसमें भी यूरोप जो यूनियन है इसके अंदर भी कंट्रीज लिस्टेड हैं, उसके अकॉर्डिंग पे रेट है। जर्मनी जाओगे वहाँ पर कोई पे रेट ज़्यादा है, आप नॉर्वे जाते हैं वहाँ का पे रेट ज़्यादा है, और अदर लोकेशन आपको बताता हूँ, जैसे पोलैंड का पे रेट उतना सही नहीं है, क्रोशिया का भी पे रेट उतना सही नहीं है। तो लोग का सबका ये होता है कि कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद वो कहीं और माइग्रेट कर लेते हैं, जैसे उनका वर्क परमिट एक्सपायर होता है वो रेन्यू नहीं करते हैं, वो लोग फिर दूसरी कंट्री में चले जाते हैं जहाँ पर उनका पे रेट वगैरह सही है। जहाँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो हर कंट्री का सही है, क्योंकि अब डिपेंड करता है, अगर आप अनस्किल में जाते हैं तो पोलैंड हो गए, क्रोशिया हो गए, जो इनका पे जो अभी जो सैलरी प्रोवाइड करते हैं दे प्रोवाइड अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 800 से 1000 यूरो के अंदर अभी ये अनस्किल्ड वर्कर को, जिसमें वेयर हाउस कैटेगरी आ जाती है, रेस्टोरेंट वर्कर हैं और अदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे आप देख सकते हैं वेल्डर है, टेक्नीशियन है, जो इनका 1000, इलेक्ट्रीशियन है, इनका कम से कम अप्रॉक्सीमेटली 1000-1200 यूरो के ऊपर किसी की सैलरी नहीं रहती पोलैंड हो गया क्रोशिया के अंदर। माल्टा में थोड़ी ज़्यादा, माल्टा का जो पे रेट है तो 1200 यूरो से आपका होता है 1800 यूरो के बीच में मिलता है, पर टैक्सेशन भी डिफरेंट होता है, वहाँ का टैक्स रेट थोड़ा ज़्यादा है, जर्मनी का भी थोड़ा टैक्स रेट ज़्यादा है। जो स्किल्ड वर्कर होता है उसकी सैलरी बहुत डिफरेंट होती है अनस्किल्ड वर्कर से, जो स्किल्ड वर्कर जाता है उसकी सैलरी है अप्रॉक्सीमेटली अभी आपको बताऊँ तो 4000 यूरो आपको जर्मनी में मिलता है, 4000 यूरो आपको जर्मनी में जो प्रोवाइड हो रही है सैलरी वो है अप्रॉक्सीमेटली आपका आपका अप्रॉक्स 3,20,000 के आसपास मिलती है, उसमें टैक्सेशन होता है 20-30% का जो भी कटता है,
तो जो टैक्स कटता है उसका तो बेनिफिट भी होता है। जैसे आप पोलैंड में देख लें, जो स्किल्ड वर्कर है उनकी सैलरी है, तुम्हारी एवरेज सैलरी है 8,000 से 10,000 यूरो के, 8,000 से 10,000 PLN के आसपास। सेम गोज टू क्रोशिया, क्रोशिया की अगर देखें तो अगर यूरो में अगर उसकी सैलरी जो स्किल्ड वर्कर होंगे, जैसे जो जिसने ग्रेजुएशन करी है और अदर जैसे ग्रेजुएशन करी है उसमें किसी का एक्सपीरियंस है, यहाँ से वो डी कैटेगरी में जा रहे हैं, वहाँ जाके वो चेंज कर सकते हैं जॉब। अगर जॉब चेंज करते हैं तो उनका जो सैलरी स्लैब होता है, जो नॉर्मल स्टार्टिंग बेसिक सैलरी है स्किल्ड जो जैसे जिसने ग्रेजुएशन करा है, जो प्रोफेशनल जॉब्स करते हैं उनके लिए जो सैलरी होती है अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 4,000 यूरो होती है। और जो ब्लू कॉलर है इसमें तो खैर थोड़ा कम होता है, इंडिया में भी कम है आप देख सकते हैं। और एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री, आपको जो क्रोशिया है, पोलैंड है, इसका जो स्ट्रक्चर है ब्लू कॉलर जॉब्स का सेम ही है, आपको ये प्रोवाइड करते हैं 1,000 यूरो के आसपास। अगर आप जर्मनी जाते हैं तो फिर वहाँ आपका पे रेट थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 22,000 से 22,000 यूरो के आसपास रह जाता है। पोर्चुगल में भी आप अगर मूव करते हैं तो वहाँ का भी पे रेट सही है, 2,000 यूरो के आसपास है। अभी मेरे नॉन पर्सन गए हैं जो माल्टा, दो तीन मेरे नॉन पर्सन है अभी, वो लोग रिलोकेट कर रहे हैं यहाँ से माल्टा में, वो वीज़ा के लिए गए थे, उनका TRC वगैरह मिल गया तो वो लोग वहाँ से पोर्चुगल मूव हो गए, क्योंकि पोर्चुगल में अपॉर्चुनिटी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, जो जिसने ग्रेजुएशन करा है वो वहाँ जाके कॉल सेंटर में काम कर सकता है। तो अदर ऑफिशियल जॉब्स हैं जैसे डेलॉइट है, अलग बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, आप वहाँ पे वर्क कर सकते हैं एज एनालिस्ट, जो भी आपका रोल है, ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपको अपॉर्चुनिटी वहाँ पे प्रोवाइड होती है। अदर पार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप ब्लू कलर में वर्क नहीं करना चाहते तो फिर आप वेयर हाउस वर्कर में आप काम करना चाह रहे हैं तो आप उसमें कर सकते हैं काम। मैं आपको बताऊँगा जैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं तुम्हारी, होटल लाइन पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप वहाँ काम कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही, अभी वीडियो भी थोड़ा लेंथी हो गया तो मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करना चाहूँगा। थैंक यू गाइज, कुछ क्वेरी होंगी तो आप मेरे को रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू।